पैनी ही मिनी, मैं हूँ हेमंत और हमारा आज का 22वां वीडियो है, नंबर 22, वो है अ टिपिकल यूनिवर्स। बियॉन्ड डिजम्स एक्स में डार्क वैक्यूम्स होते हैं, तो हर एक डार्क वैक्यूम के अपने होते हैं मल्टीवर्सेस। मल्टीवर्सेस का मतलब है कई सारे यूनिवर्सेस। तो एक टिपिकल जो होता है यूनिवर्स, वो कैसे होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। एक कोई भी होता है टिपिकल यूनिवर्स, तो उसकी साइज होती है UV3। उसके सबसे बाहर जो होते हैं तो उसको बोलते हैं द अल्ट्रावायलेट वैक्यूम्स, जिनमें होते हैं यूवी एटम्स के द अल्ट्रावायलेट कोई भी एंटिटीज। बाद में उसके अंदर होते हैं द गोल्डन डोमेन्स, जहां पर होते हैं जीएल एटम्स, जिनके बनते हैं गोल्डन एंटिटीज, जिनको हम गोल्डन स्पिरिट्स बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं, इसको बोलते हैं द इंफ्रारेड डायमेंड, जहां पर होते हैं खाली IR एटम्स, जिनकी बनती है वहां की इंफ्रारेड बीइंग्स, इसको बोलते हैं। ये सब जो है ना, ये जो नाम है वैसी ही उनकी बॉडी होती है। मतलब जो भी अल्ट्रावायलेट वैक्यूम्स की जो होती है एंटिटीज, तो उनकी अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म्स होते हैं। जो गोल्डन डोमेन्स के होते हैं गोल्डन बीइंग्स, तो उनकी गोल्डन मैटर की बॉडीज होती है। और जो भी इंफ्रारेड के जो होते हैं डायमेंड्स के इंफ्रारेड बीइंग्स, तो उनकी वो टाइप की इंफ्रारेड बॉडीज होती है। ये कोई भी हार्ड बॉडी फॉर्म नहीं है, सॉफ्ट बॉडी फॉर्म है। और ये सब काफी मंझे हुए एटम्स होते हैं, तो वो तो जिसे हम कहते हैं कि CS एटम के साथ उनका कोई तालमेल, मतलब कोई, हम जिसको कहते ना कि कोई तुलना नहीं है। अब मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि पैरा एंटिटीज या पैरा फ्रिक्वेंसीज, पैरा स्पिरिट्स, ये सब आते हैं लिविंग डायमेंशन में, बराबर। यहां पर ये जो मैंने बाहर की जो कई एंटिटीज कही कि गोल्डन स्पिरिट्स या गोल्डन बीइंग्स या बाहर के जो यूवी है, बीच के IR है, ये इनसे परे होते हैं। पैरा एंटिटीज, पैरा फ्रिक्वेंसीज एंड पैरा स्पिरिट्स, यहाँ के जो बनते हैं जो फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, ये सिर्फ लिविंग डायमेंशन में पाए जाते हैं। तो अब ये इंफ्रारेड डायमेंशन के अंदर होते हैं पैरा डायमेंशन, जो कि सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ का जो एक ये जो है अपना पर्टिकुलर जो है यहाँ का यूनिवर्स, ये टिपिकल जहाँ पर अभी हम है, ये सिर्फ वहां पर है पैरा डायमेंशन, वहां पर होते हैं पैरा बीइंग्स। और पैरा बीइंग्स जो होते हैं, तो उनका PR कोड एटम जो है वो सही PR कोड एटम है। और जैसे मैंने कहा कि बाहर के जो थे अल्ट्रावायलेट एंटिटीज, बाद में गोल्डन बीइंग्स, बाद में इंफ्रारेड एंटिटीज, इंफ्रारेड बीइंग्स और ये पैरा बीइंग्स, ये दीज आर ऑल जेंडरलेस, इनमें मेल फीमेल जेंडर नहीं होता। तो ये जब बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब आए इंटर सेंटाइटस, तब उनके टेंडेंसी के हिसाब से वो सेंटाइस मेल या इंटरसेक्स फीमेल बन गए। पैरा डायमेंशन ये एक अखा एक, एक पूरा एक वीडियो का टॉपिक ही पूरा अलग है, तो हम इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब यहां पर जो ये है पैरा डायमेंशन के अंदर जो आती है एक लिविंग डायमेंशन, इस लिविंग डायमेंशन में ये कॉस्मोलॉजीज है, CS3 नंबर कॉस्मोलॉजीज, ये सिर्फ लिविंग डायमेंशन के अंदर है। और पैरा डायमेंशन जो है वो यहां से बाहर है। अब ये कॉस्मोलॉजी जो हम बोलते हैं, जो एक लिविंग डायमेंशन है, उसके अंदर सबसे अंदर होता है हर एक खुद के एक इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म, जो होता है एक पूरे ये जो सब डायमेंशन मैंने कहा ना कि लिविंग डायमेंशन के बाहर, पैरा डायमेंशन के बाहर, बंद इंफ्रारेड डायमेंशन, बंद गोल्डन डोमेन, और सबसे बाहर है वो अल्ट्रावायलेट, इन समुच्चय ढांचे को एक पूरे यूनिवर्स के कंट्रोल करने वाला होता है सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म, जिसको कई लोग परब्रह्म भी बोलते हैं। परब्रह्म मतलब
सेंट्रीफ्यूगल कोई भी एटोमिज्म, बराबर। हर एक गैलेक्सीज के अंदर भी एक ब्लैक होल होता है। अब ये गैलेक्सीज जो हम बात करते हैं हमेशा यहाँ की, जिसको यहाँ के लोग पूरा ब्रह्मांड समझ बैठे हैं, वैसा नहीं है। वो खाली एक कॉस्मोलॉजी का एक बात है, वो कॉस्मोलॉजी है। ब्रह्मांड जिसको यहाँ के लोग बोलते हैं, ये ग्रह, गोल, तारे, सैटेलाइट्स, वो अपने क्या बोलते हैं, कॉमेट्स, बाकी ये सब जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स है, तो ये एक कॉस्मोलॉजी, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, ये एक लिविंग डायमेंशन है, कॉस्मोलॉजी है। और यहाँ इस कॉस्मोलॉजी के भी 10 सेगमेंट्स होते हैं। बाहर का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, बाद में वायलेट स्पेक्ट्रम, बाद में इंडिगो स्पेक्ट्रम उसके अंदर, बाद में ब्लू स्पेक्ट्रम उसके अंदर, बाद में ग्रीन स्पेक्ट्रम, बाद में गोल्डन स्पेक्ट्रम जो मेन होता है, इसके नीचे आता है कोई भी येलो स्पेक्ट्रम, बाद में ऑरेंज स्पेक्ट्रम, बाद में रेड स्पेक्ट्रम, और सबसे आखिर में आता है वो कल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आता है। जैसे कि एक बॉडी का यहाँ का ढांचा होता है, जैसे मैंने पहले समझाया था कि अल्ट्रावायलेट सोल जोन अप टू इंफ्रारेड, तो वही वो 10 सेगमेंट्स है आपको इस कॉस्मोलॉजी में ही पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिविंग डायमेंशन। यहाँ पर लिविंग बींग्स रहते हैं जो पैदा होते हैं, मरते हैं, मतलब डेथ एंड बर्थ जो साइकिल चलती है वो सिर्फ यहाँ पर चलती है, इस लिविंग डायमेंशन में चलती है। बाहर के जो मैंने कहा ना कि जो यूवी एंटिटीज, बाद में जीएल मतलब गोल्डन एंटिटीज, वहाँ नहीं वो होती है, क्योंकि वहाँ तो मेल फीमेल है ही नहीं। तो ये जो एक टिपिकल जो एक ढांचा मैंने समझाया एक कॉस्मोलॉजी का, तो हर एक गैलेक्सी को या तो एक ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, तो उसको भी कई लोग तो उसको भी हम कह सकते हैं परब्रह्मा, बराबर। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म ऑफ अ यूनिवर्स जो होता है वो सही माने में होता है, क्योंकि इससे सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म एंड वहीं से बाहर निकलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एटमिज्म, जहां से ये सब एटम्स बाहर निकलते हैं, लिविंग एटम्स, मतलब सी एस एटम्स, पी आर एटम्स, बाद में जो मैंने बाहर के समझाए थे कि कोई भी इंफ्रारेड एटम्स ऑफ बींग, इंफ्रारेड बींग्स जो वहाँ के डायमेंशन में होते हैं, बाद में गोल्डन एटम्स ऑफ गोल्डन डोमेन्स, और सबसे आखिर में जो बाहर का है वो यूवी एटम्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट वैक्यूम्स। अब यूवी एटम्स, जीएल एटम्स और ये बीच के आई आर एटम्स, ये पूरे बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब बात रही है खाली सी एस एटम्स, कॉस्मोलॉजिकल एटम्स, सी एस एटम्स जिसको हम लिविंग एटम्स कहते हैं वो, तो ये सब जो कर मैं कुछ समझा रहा हूँ, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, यही का टॉपिक है, कहीं बाहर का नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे सेगमेंट्स आते हैं। जैसे कि मैंने समझाया कि सी एस एटम्स मतलब एक लिविंग एटम में ह्यूमन एटम्स आते हैं जो कॉन्शियस एटम्स कहलाते हैं, और नॉन ह्यूमन एटम्स में आते हैं क्रीचर्स एटम्स और नेचर एटम्स। क्रीचर्स के जो एटम्स होते हैं वो सेमी कॉन्शियस एटम्स होते हैं, और नेचर के जो होते हैं वो फुल्ली अनकॉन्शियस एटम्स होते हैं। ये सब जो मैंने ये समझाया, ये यहाँ की एक कॉस्मोलॉजी के समझाए, ये जो लिविंग एटम्स है। बाहर के एटम्स को लिविंग एटम्स क्यों नहीं कहा जाता, कि ताकि वो है, वो एग्जिस्ट करते थे, वो होए, लेकिन वहाँ पर डेथ एंड बर्थ की साइकिल्स नहीं थी जो कि यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर एक बहुत एक हम कहे तो पेनफुल अफेयर है, क्योंकि यहाँ की बॉडी जो है ना, इसका लॉजिकल फंडामेंटल पेन है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी डिफॉल्ट्स काफ़ी है। जैसे हम कहते हैं कि नेचर को या क्रीचर को या कोई ह्यूमन बॉडी फॉर्म को, एटम का कॉन्शियस फॉर्म में है कोई भी ह्यूमन का, लेकिन बॉडी का क्या, बॉडी तो पेरिशेबल है, बराबर, मतलब इट पेरिशिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि एज बढ़ता है तो बॉडी धीरे 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 खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है, एंड बाद में इट पेरिशिस, इट डाइज। तो पेरिश का मतलब है डाई। अब ऐसे कहा जाता है यहाँ पर, एक थियोरी है कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हर एक चीज जो टाइम बाउंड है वो पेरिशेबल है। तो एक कोई भी सोल, एक कोई भी आत्मा यहाँ की, जिसे हम यहाँ की परिभाषा में आत्मा कहते हैं, उसकी भी एक
लाइफ ड्यूरेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो आप काउंट नहीं कर सकते। चलो मेरी परिभाषा में हम इसको कहेंगे भी 1 अब्जर्डिजिट ईयर्स। जैसे मैंने कल एक मेरे इसमें समझाया था कि मैंने एक संकल्पना रखी थी 1 अब्जर्डिजिट, एक के आगे 99,99,99,999 नंबर ऑफ जीरो अगर आप रखेंगे तो जो संज्ञा बनती है जिसको हम बोलते हैं 1 अब्जर्डिजिट, जो हम लिख नहीं पाते, तो उतने साल की होती है उम्र एक कॉस्मिक सोल की, मतलब एक। तो इतने सारे साल के बाद वो आत्मा भी खुद ब खुद मर जाती है। मतलब अब जो साइंटिफिकल जो एटमिज्म है वहां पर एटम्स की फैक्ट्री है, वहां पर नए नए एटम्स बनते रहते हैं और बाहर फेंके जाते हैं एक फ्लो में, एक बाहर फेंके जाते हैं। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अ टिपिकल यूनिवर्स। और जैसे जैसे वो एटम्स होते हैं वैसे वैसे वो बाहर फेंके जाते हैं। अब ये एटम्स बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया है वो ओनली अबाउट सीएस एटम्स है, पहले ही बाहर फेंके गए जो थे वो कुछ यूवी एटम्स, जीएल एटम्स और आई एटम्स, ये एक ही बार फेंके गए थे, बार बार नहीं फेंके जाते। लेकिन सीएस एटम्स जो होते हैं ये बार बार फेंके जाते, और वहां पर सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म में ही पैरा मैग्नेटिज्म काफी भारी होने के कारण यहां पर पीआर कोड के एटम्स बनते हैं जिनका होता है पैरा मैग्नेटिज्म, जो सीएस एटम्स पर भारी पड़ते हैं। क्योंकि जो बेसिक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल सोर्स है, वहीं पर पैरा है, वो इतना हावी है, इतना भारी है कि वही जो प्रतिबिंब है वो आपको सीएस कॉस्मोलॉजी में आपको देखने को मिलता है और कुछ नहीं। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद बना है ढांचा। यहां पर कोई कोई कारीगर नहीं कि जो कोई कुछ कुछ बनाते चले। परब्रह्म ये कोई एंटिटी नहीं है, ये एक एनर्जी है। जैसे कि पैनहेमिनी, ये पैनहेमिनी को डिक्रिति मैग्निसेंट एंड टेरफेंटमस अप टू ब्लैक लाइट्स, ये सब एंटिटीज है, इनका शेप फॉर्म है और बाद में उनकी ये खुद की एनर्जी, मतलब पहले एंटिटीज है बाद में एनर्जीज है। वैसे यहां पर परब्रह्म ये खाली एक एनर्जी फॉर्म है, कोई एंटिटी नहीं है, वहां कोई बैठा नहीं है सिर हाथ और पैर वाला कि भाई ये परब्रह्म है, वो एनर्जी फॉर्म है। परब्रह्म का मतलब है प्रॉक्सी एटम्स या पेटी एटम्स, बराबर। तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल एटमिज्म है, वो एटम्स नहीं, वो एटमिज्म है। और उसकी संज्ञा ही ये पैरा एटमिज्म, वो प्रॉक्सी या पेटी से ज्यादा है पैरा एटमिज्म। अब पैरा का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, पैरा का मतलब हमेशा खराब नहीं होता, पैरा का मतलब पैरल, तो पैरल एटमिज्म। अब पैरल कहने के लिए ये इसको पैरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले आता है सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म, उस सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म के पैरल ये है पैरा एटमिज्म। मेन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेटिज्म, उसके बाहर जो है वो उसके साथ में आता है पैरेलल एक पैरा एटमिज्म, तभी इसको पैरा एटमिज्म कहते हैं। पैरा का मतलब यहां पर पैरेलल है, तब यहां पर पीआर कोड, ये सिर्फ यहां की एक टिपिकल जो है ना एक ढांचे में आते हैं। और पीआर कोड के एटम्स सिर्फ यहां पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में और इस पर्टिकुलर कॉस्मोलॉजी में, बाहर के किसी भी यूनिवर्स में ये पीआर के कोर एटम्स बाहर फेंके नहीं जाते, इसलिए वहां पर पैरा डायमेंशन भी नहीं है, जो सिर्फ यहां पाई जाती है ड्यू टू यहां की संज्ञा है जो पैरा एटमिज्म। आई होप मैं जो कुछ भी समझाया अभी इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे। ये भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, भले ये यहां का एक सब्जेक्ट है लेकिन ये एक टेक्निकल फॉर्म में सही मायने में रखा गया है। मैंने कोशिश तो की है काफी उसको काफी आसान तरीके से कहने की, इसके कहने के और भी मेरे पास डीप टेक्निकल तरीके हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। थैंक यू पढ़ने के लिए।